भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का निछावर करने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कौन नहीं जानता इन त्रिमूर्ति को जिन्होंने शहादत का एक नया आयाम दिया, शहादत की नई इबारत लिखी। उन्हीं के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और उस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रूबल शर्मा लगे हैं दिन रात एक करके, क्योंकि युवाओं के आइकॉन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उन्हीं की शहादत को नमन करने के लिए, उनके दिखाए आदर्शों पर चलने के लिए प्रयास करें। रूबल जी, क्या प्रयास रहेगा और क्या कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले तो मैं बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। हिंदू नव वर्ष व चैत्र नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। एक कहावत है, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। उसी कड़ी के तहत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहीदी दिवस के ऊपर 23 मार्च को सुबह ठीक 9:30 बजे एक कार्यक्रम पिपली रोड स्थित मिड टाउन रिसोर्ट के अंतर्गत अंदर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मिलकर एक शहीदी दिवस का कार्यक्रम करने जा रहे हैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी साथी, सभी युवा साथी, माताएं, बहनें और सभी पत्रकार व छायाकर बंधुओं से मेरी विशेष तौर पर रिक्वेस्ट रहेगी कि इस ये कार्यक्रम ना होकर एक मेले की तरह होगा, अपने देश पे मिटने वाले शहीदों को याद करने के लिए। हम वहां पर देशभक्ति के गीत जहां गाएंगे, शहीदों को याद करेंगे और उनके चित्र के आगे पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद एक हम पद यात्रा भी तिरंगा हाथ में लेकर अपने अपने भारत देश का प्रिय तिरंगा झंडा हाथ में लेकर एक पद यात्रा भी निकालेंगे। आप सभी वहां पर समय से पहुंचकर अपना समय का दान दें और अपने देश पर मिटने वाले शहीदों को याद करें। कौन कौन नेता आ रहे हैं इसमें, कार्यक्रम क्या रहेगा? हमारी पार्टी के सभी नेता इसमें पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र मंडल के अंदर होगा। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा की अध्यक्षता में एक रोहतक के अंदर बैठक ली थी, जिसके अंदर हमारे पूरे हरियाणा के 308 मंडलों के अंदर ये कार्यक्रम मंडल वाइज होने जा रहा है। तो मैं उस कड़ी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र मंडल में करने जा रहा हूँ, जो आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ही संभव हो पाएगा। कार्यक्रम का समय क्या रहेगा और उसमें कौन कौन से मुख्य आयोजन रहेंगे? कार्यक्रम का समय सुबह 9:30 बजे का रहेगा। स्थान मिड टाउन रिसोर्ट पिपली रोड पर स्थित एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है, उसके अंदर ये कार्यक्रम होगा। देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे, शहीदों को याद किया जाएगा और जिस तरह से आज हर व्यक्ति के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा जाग चुका है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन कार्यक्रमों को लगातार चलाती रहे, उस कड़ी के अंदर भी एक बहुत बड़ा संदेश कार्यक्रम हम सभी युवा मिलकर अपने जिला के युवा साथियों को, आने वाली पीढ़ी को देने जा रहे हैं। निमंत्रण किस तरह देना चाहेंगे, न्योता देना चाहेंगे जिलावासियों को? सभी को खुला निमंत्रण है, सभी का अपना कार्यक्रम है, सभी आए, क्योंकि हमारी पार्टी ने एक बात हमें सिखाई है भी हमारा देश पहले है फिर पार्टी और फिर हम है। निश्चित रूप से देश पहले फिर पार्टी और फिर हम भाजपा का मूल मंत्र है और उसी मूल मंत्र की पालना करते हुए रूबल शर्मा ने आयोजन किया है कल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत को नमन करने के लिए भव्य आयोजन का। आप भी पहुंचेंगे, निमंत्रण है रूबल शर्मा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। Be positive, Miss Kinsella Prakash.